ये ख्याल है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं है। मैं मन में हमने सोचा चुपचाप बैठते स्थान में कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर एवं गुरु भगवान है तो भगवान गुरु का ही नहीं। और हमने भगवान को गुरु मान लिया, जब आप आदमी को नहीं मानेंगे भगवान को गुरु मानेंगे। ख्याल आया, हमने सुना था कि भगवान कहते हैं शिव को, अब तो व्याख्या कर सकता हूं, उस समय कोई व्याख्या नहीं थी मेरे पास। मैंने सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं महेश्वर कहते हैं, और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग भारत के अध्यात्म में हुआ, सुना था मैं, जानते कुछ नहीं थे, सुना था। तो जो मैंने भगवान को गुरु माना तो शिव भगवान है, ये मेरे दिमाग में बात आई, मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस इतने ही भर की घटना है, आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान लिया, इतनी सी घटना कुछ नहीं। हाँ साल बीत गए हैं 1974 का ये मामला है। मैंने भगवान शिव को, भगवान शिव को, गुरु शिव को नहीं, मैं तो जानता नहीं था शिव गुरु है, मुझको तो पता ही नहीं था, लेकिन भगवान था ये सुना था, भगवान थे वो, भगवान है वो, ये मैंने सुना था। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना, वो गुरु है इसकी जानकारी मुझको नहीं, लेकिन मान लिया तो मान लिया, संकल्प ले लिया तो ले लिया, सोच लिया तो सोच लिया। मैंने शिव को उसी क्षण से गुरु बनाया अपना, मेरे गुरु है मारे। मेरे मन में वही ख्याल था जो लोगों के मन में होता है कि शरीर में है नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, लेकिन हिसाब तो कह रहा है कि गुरु भगवान होते हैं, भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए शिव गुरु है। गणित तो ठीक है, लेकिन मन मेरा मानने को तैयार नहीं था कि शिव गुरु है। मान मैंने लिया, लेकिन मेरा मन कहता था कि सब फालतू बात, लेकिन कहां जाए क्या करें, तेरे 14 साल स्मशान में इधर उधर पिता पिता चुका था मैं, ढेर सारे गुरुओं गुरुओं के साथ रहता था मैं, और कुछ हासिल हुआ नहीं, तो मैंने शिव को मान लिया भगवान समझ के, मैं तो जानता नहीं घटी बोलू। बात की घटना तो प्रोफेसर साहब बता रहे हो, उन्होंने बताई आपको। आठ वर्षों तक मैं चुप रहा, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, जबकि बिहार में मेरे फादर बड़े अफसर थे, उनकी उनका तबादला होता था तो मैं भी उनके साथ घूमता रहता था, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक चुप रहा, केवल अपनी पत्नी को मैंने कहा, जिनका नाम आप नीलम के नाम से जानते हैं, जिनको आप, उनको कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, बस, और किसी को नहीं कहा, चुप हो। मैं जानता था कि शरीर में है नहीं, फालतू बात है, शिव को गुरु बनाने से क्या होगा, कुछ बताए मैं चुप। 8 वर्षों में मुझको लगा कि ये तो गुरु है। मंडल सर ने आपके कोई कहानी बताई होगी, आपने सुना भी है, और 8 वर्षों के बाद मैं उस समय तक डिप्टी कलेक्टर हो गया था, और मैं पूरा एक जिला है बिहार का, वहां में मजिस्ट्रेट होकर चला गया था। जब मैं मधेपुरा 1982 में पहुंचा, 1982 में, बड़ी कम उम्र थी हम लोगों की, तो वहां स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं सहरसा के जिला स्कूल का अपना विद्यार्थी रहा था, मेरे फादर माँ एस डी ओ थे तो मैं जिला स्कूल में पढ़ता था, वहां मैं स्मशान जाता था, तो कोई साथी हो गए, वही मजिस्ट्रेट होकर मिल गया, तो मुझसे मिले आए कि वही लड़का है जो यहां मजिस्ट्रेट हो गया है, लोग मुझसे मिलने आए। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अभी भी स्मशान जा रहे हैं क्या, 30-40 साल हो गए आप लोगों को जाते, हमसे सीनियर लोग, बोले हाँ जाते हैं। हम कहा एक काम करिए, शिव को गुरु बनाए। पहली बार 8 साल में मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाइए दूसरे को,
मैंने पत्नी को छोड़ के दूसरे किसी को नहीं कहा। पहली बार 8 साल के बाद मैंने दूसरे को कहा कि शिव को गुरु बने। लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है। हम कहा कैसे मालूम है, हम तो बोले ही नहीं किसी को, चलो किताब में लिखा है कि शिव गुरु है। हम कहा किताब में लिखा है कि शिव गुरु है, शिव से बड़ा कोई न देवता है न गुरु है, तो उसको अपने गुरु क्यों बनाते हो भाई। और वहीं से ये बात धीरे धीरे शुरू हुई कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए, महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। उसी की एक कड़ी में ये नागपुर है, उसी की कड़ी में ये महोत्सव है, और उसी की कड़ी में हम आप सामने हैं। शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं है, केवल ये सोच लेना है कि वो हमारे गुरु हैं। और महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना हो, यही के थे वो, महाराष्ट्र के। उन्होंने लिखा है, ध्यान से अगर उनके बात को सुनिएगा तो कुछ समझ में आएगा। शिव द्वारा उपदेश, मैंने शिव ने जो उपदेश दिया, शिव द्वारा उपदेश ब्रह्म विद्या, उस परमात्मा की विद्या, शिव द्वारा उपदेश ब्रह्म विद्या, मैं बीच में छोड़ देता हूं, संसार में सदा विजयनी है। महाराष्ट्र के संत संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने कहा तो शिव का गुरु है, ये तो बात बड़े पुराने, उनको अपना गुरु बनाया जाए और उनको गुरु बनाने में कोई असुविधा नहीं है। मन में केवल सोच लेना है कि शिव मेरे गुरु। मन से ये बात हट नहीं जाए, हमें बहुत बार भूल जाती है, याद नहीं रहती बात। मन से ये बात विसर नहीं जाए, भूल नहीं जाए। हम लोगों ने कहा तीन काम के लिए भाई साहब, शिव को गुरु मानने के लिए सोच लिया ना, संकल्प ले लिया ना, अब तीन काम करिएगा ताकि भूल जाए, नहीं भूल जाइए, हमें भूल जाते हैं। पहला कि जब भी याद आए, जहां भी याद आए, महादेव को याद करिए, उस शिव को याद करिए। मन ही मन सोचिए कि आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं करिए, शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं की दिया, बोलने की होती है, मन ही मन सोचने की जरूरत। और आदमी भूलता कैसे है सोचिए, मैं बताता हूं। मैं सबको कहता हूं कि आप सुबह उठिए तो जरा महादेव को याद करके दया मांगी। लगभग 40 साल हो गए मुझको शिव को गुरु बनाए, और